नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जी। और क्योंकि आज हमारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो आज ग्वालिसन से लगता हुआ गांव है प्रतापगढ़, वहाँ पे पधार रहे हैं। कुछ अदर कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं उनके साथ इनका मीट है, तो उसी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू, सुबह से कहीं ना कहीं जो फॉल्ट है, जो दिक्कत है, वो चल रही है। तो एक नॉर्मल वीडियो आप सब पशुपालक भाइयों के सामने, संजय पहलवान की जो थर्ड टाइमर बफलो थी, कल खाली इसको कराया था 9 किलो 700 ग्राम से, और सेम उसी टाइम पे जो लाइव मिल्किंग है, सेम कल वाले टाइम से 5-7 मिनट ऊपर, मैं एक बार समय है अपने पशुपालक भाइयों को दिखा देता हूँ, फिर से लेकर के हाजिर हुए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और शाम को अगर नेटवर्क ठीक ठाक रहा तो डेफिनेटली लाइव यहाँ से चलाया जाएगा। तो समय आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके गूगल, हाय बिक्सी, नाउ प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। नेटवर्क इशू है जी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त वाला जो नेटवर्क इशू है वो। और साइड में मैं थोड़ा सा इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पशुधन कल शाम को आपने देखा कि काफ़ी काफ़ी जो स्ट्रेस है वो फील कर रहा था, तो इसीलिए आज मैं पहले ही सोच करके आया था कि बोलेंगे नहीं, बोलने से ये थोड़ा सा फील करती है स्ट्रेस, ऐसी बात नहीं है। और जैसी भी मिल्किंग, क्योंकि देखिए युवा पशुपालक हैं, कोई ब्रीडर नहीं है ना कोई व्यापारी है, एक आम खुट्टे का, कच्चे खुट्टे का जो पशुधन है वो आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा रहा हूँ। तो बिना कम बोले कम बात किए जो मिल्किंग वीडियो आप सब पशुपालक भाइयों के समक्ष लेकर के आए हैं, और जो टाइम है वो आप यहाँ पे ऐसे ही देख सकते हैं, 6:12 के समय पे, सुबह के टाइम, 4 मार्च 2023। क्योंकि नेटवर्क इशू है, गूगल टाइम भी नहीं बता पाएगा, इसी वजह से जो नॉर्मल वीडियो है वो मैं कवर कर रहा हूँ, और घर जा कर के वाईफाई से इसको अपलोड करेंगे। खाली बाल्टी आप देख, बहुत बढ़िया भाई, करें शुरू करें।
पीछे हो जाओ भाई तुम, 2 मिनट और का बस। हो गए भाई, बहुत बढ़िया। तो माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बोलने का इशू इसलिए था क्योंकि पशु कल आपने खाली होते टाइम देख ही लिया था, थोड़ा एग्रेसिवपन यहाँ पे देखने को मिला। और काफ़ी सारे ग्रामीण मामन सर हैं जो गांव कड़ौदा से, इनके पड़ोसी गांव से हैं, वो भी यहाँ पे पधारे हैं, पहुँचे हैं, तो उनसे भी आपको बात कराएंगे। सबसे पहले काट्टा चालू कर दो जी, 1 मिनट, इसके ऊपर ना हाथ लगा लो, ऐसे दिख जाएगा ना। फोन की टॉर्च ऑन करना, 1 मिनट रुकना, देता हूँ। इसके ऊपर लगाओ, ऊपर नजदीक ना, बनी नहीं बात। लाइट ज्यादा है ना इसमें, हटना, साइड से भी नहीं दिखाई दिया। लाइट बंद करो यार, कर दे एक बार, करके दे। करता इस बाल्टी को ना थोड़ी सी आगे और कर दो, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर हाथ लगा के देखो, रोशनी ना इसमें ज्यादा है पहलवान जी आपके काटे में। कोई इलाज है इस चीज का? किलो 1 किलो का बट्टा रखिए एक बार प्लीज, 1 किलो। दिखाई तो नहीं दे रहा साफ, पकड़ना भाई एक बार इसको। रोशनी ज्यादा है इसमें, तीन चार फोन की लाइट लगाऊंगा। कोई फायदा नहीं, फोन की तो लाइट एक की उतनी है, चार की। नजदीक नजदीक करो थोड़ा सा, क्लोज। वो आप यो तलाश लो जा। क्या यो फ्लैश? नहीं, फ्लैश से तो ज्यादा बढ़ेगी। ये देखो, अब करना एक बार, बंद करियो बटा। सिंगल जीरो भी नहीं आती क्या पहलवान जी इसमें? कोई और काटा है अपने पास ऐसा जो कम लाइट का हो या जिसमें लाइट दिखती ही ना हो बिल्कुल भी? आस पड़ोस में कोई नहीं है? खराब है वो। इसमें डेरिंग दिया, डेरिंग। डेरी दूर है आपकी? किलो वाले में बाद के 2 मिनट लाऊं। उसमें भी लाइट वाला ही होगा फिर वो। एक लाइट आ जाए, एक जीरो आ जाए। अब लाइट इसकी अगर बंद हो जाए ना तो फिर ठीक है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। भाई एक बार देख लो फटाफट, जल्दी जाओ क्योंकि टाइम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा और उजाला हो जाता ना जल्दी, फिर तो ठीक हो जाती सारी चीजें, है ना। लाइट मत लगाना और होता होगा। अब एक बार फिर छेड़ना भाई इसको, छेड़ियो, 1 मिनट हटना, ज्यादा है। थोड़ा सा आगे कर लो इसको, आगे उजाले थोड़ा सा। हाँ, बाल्टी को और इसको काटे को दोनों को आगे कर, इस साइड ले। उतना ही है इनमें ना, पंगा यही है इन काटों में बस थोड़ा सा। तो देखें जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर विजिट है पड़ोस के गांव में, और प्रतापगढ़ जो रिसोर्ट है हम सब भलीभांति परिचित हैं, काफी अच्छा
जो रिसोर्ट है वो, और न सिर्फ देश विदेश से बल्कि दूर दराज के जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट मैं कहूँगा घूमने के लिए आते हैं। नहीं, बात बन ही नहीं रही पहलवान जी किसी भी हालत में। तो उन्हीं की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू, रात से ही जो फॉल्ट है वो चल रहा है, और अदरवाइज ज़रूर लाइव चलाते क्योंकि इसमें ना हमारी मेहनत भी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद फिर इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आप सब पशुपालक भाइयों के सामने लाइव आएगी। और एक चीज़ और, ना कभी धोखाधड़ी करने का जो प्रयास है वो कभी किया ना कभी करेंगे। जितना भी दूध है सारा साफ़ सुथरा, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी काफ़ी सारे भाई हैं सबके फ़ोन में आपको दिखाएंगे क्योंकि गूगल से अपडेटेड है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे चले हुए हैं जिनको हम मैन्युअली टाइम डाल करके अपडेट नहीं कर सकते। एज़ पर द गूगल टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, और सेम वही चीज़ फिर से सत्यापित करके पूरी गारंटी के साथ जो दूध है वो दिखाएंगे। कोई खरीद बेच का इनका ना कोई काम, ना कोई बड़े ब्रीडर हैं या फिर धोखाधड़ी करने का आरोप प्रत्यारोप किसी तरह का कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं होने वाली। और मैं तो फिर भी एक बात कहूँगा, कोई भाई अगर अभी भी उंगली उठाए ना, तो खुद आए यहाँ पे, खुद देख लें सारा दूध, 2-3-4 टाइम रुकें। क्यों पहलवान जी, सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही बात। तो देखिए जी, काम करो तो साफ सुथरा करो, अदरवाइज फिर करने का ही रहने दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो काटा कैसा है, उसमें लाइट वगैरह? ना दे रहा हूँ, देर ही खड़े हैं आज, कुछ मुक्की सारा देखा नहीं। एक और का काटा तो अपने तो रहे हैं वो है यो के। ये ठीक है अंकल जी, आप वाला बिल्कुल ओके भाई। एक काम कर लो, इसको इसमें 0 पे तो दिखाओ, मैं भी आ रहा हूँ। बट्टे बट्टे डाल के चेक करा देंगे ना। यो है ना, नीचे बैठ जाओ आराम से। एक जो नॉर्मल आजकल दूध के पर्पज से जो हमारे किसान हैं जब पशुधन देखने के लिए जाते हैं तो दूध के पर्पज से जो काटा है उसको यूज करते हैं जी, और वही सेम काटा आपको यहाँ पे देखने। थोड़ा सा आगे ले आओ, मेरे को दिखाओ। वो गिर रहा आ जाएगा इतना एक मिनट। ये देखें 0 पे है, बिल्कुल क्लियर जो 0 है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उठाना एक बार, 5 किलो का बट्टा चेक करा दो पहले। थोड़ा सा नीचे आराम से बैठ के, क्योंकि बाल्टी भी दिखती रहे। हाँ, बाल्टी से नहीं होना चाहिए दूर, कोई बात नहीं हो जाएगा। 4 किलो 950 ग्राम का जो बट्टा है वो दिखा रहा है जी। ये देखें लोक हो गया है यहाँ पे। तो वही एक्यूरेट 4 किलो 950 ग्राम, ये आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, 5 मिनट हम वेट कर लेंगे। देखो शाम को ना इसने दूध कम दिया था, और अब मेरे हिसाब से मेरा मन कह रहा है कि अच्छा जो दूध है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आशीष यार, नेटवर्क फॉल्ट है, मैंने वैसे नॉर्मल वीडियो कवर करी, अभी बस डाल ही रहा हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके। एक बार अभी देखिए, उसके ऊपर हाथ लगा के देखो ऐसे, और फोन को ना एक इधर। यार ये तो पंगा ही हो गया आज, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसको तो, हरे रंग की लाइट हो गई ना ये। बल्ब चाहिए एलईडी, इस पर मुंह हो गया। अब पहलवान जी ऊपर हाथ लगा के देखना है इसके। कमाल हो गया। देखो ले आड़ ले भाई।
कोई बात नहीं, चार्जिंग में लगा लो, क्या दिक्कत है। वायर बड़ी वायर नहीं है क्या इसकी कोई? देख लो एक बार लगा। ये वो लाल का है नहीं, वो चाल लगा की जो हरीका जब बना एक्सटेंशन बोर्ड। हाँ, हरी की वजह से ही दिक्कत है भाई। लाल का भी कुर्सी कर्सी धर लियो नहीं इसमें अरे अंकल जी ऐसे ही रहे ना तो 10 मिनट बाद तो उजाला हो जाएगा, फिर यही दिखा देगा इतना तो कोई बात नहीं, ऐसा है पहलवान जी, होता है आपके साथ। आपने पहली बार दूध तुलवाया, होता है। हाँ, क्योंकि काफी भाई ऐसे हैं जो ऑप्शन रख के चलते हैं साथ साथ, दो दो तीन तीन कार्टे एडवांस में। एक्सटेंशन ले दूसरे बोर्ड, उसमें दूसरे प्लग में लगा के देखना इसको एक बार। हाँ, अब बटन दबा के देखो। उड़ा दे डोरी ना लगी, सुन ये डोरी लगा इन मेरा पड़ जाएगा लग रहा है, इन चालू करिए दे। हम भी इतना नहीं, ऐसे नहीं, इसमें लाइट आ जाएगी, वो तो पता चलेगा। चालू कर, चालू ही पता की तारीख ले आ, ले ले काटे में नहीं आई मेरे हिसाब से, कोई तार वगैरह ना ही लिया वो। आगे बहुत बढ़िया। इसको ना बराबर में रख लो भाई, एक बार बाल्टी को ये देखो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अभी। ये लाल और हरे में इतना फर्क होता है। जीरो पे कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 किलो का बट्टा रखो पहलवान जी, ये रखा पहले। 5 किलो का बट्टा देखें जी, 5 किलो 2 ग्राम, कुछ ना कुछ 1-2 ग्राम फालतू ही दिखा रहा है। फिर 1 किलो का बट्टा 6 किलो होना चाहिए, 5 किलो 994 ग्राम, और 1 किलो जो नमक की थैली है वो 6 किलो 976। भाई इन बट्टों को हटा के नमक की थैली रखो, बस सिर्फ नमक की थैली, क्योंकि उसमें ना 1 किलो का जो वजन है वो पता चल जाएगा। 982 ग्राम जी नमक की थैली दिखा रहा है, कोई बात नहीं, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे। खाली बाल्टी 990, ठीक है। खाली बाल्टी आप यहाँ पे देखें, 678 जी, जीरो पे कर दो, ये आप देखें जीरो पे, ठीक है भाई डालो। साफ कर लो, अच्छे से कर लो, कोई बात नहीं। पहलवान जी ये कट्टे वाला अरेंजमेंट तो कर लो, कल सुबह फिर दिक्कत होगी, है ना? शाम का तो फिर भी ठीक है। हाँ, दोनों
ग्यारह किलो 572 ग्राम। और पीछे आप देखें जी, काफ़ी सारे भाई हैं, ऐसा ना सोचिए। एक दो जो लोगों के बीच में मिल्किंग है, मामन सर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मामन सर साफ सुथरा दूध है ना ये? हाँ, नेटवर्क का किसी का भी मेरे ख्याल में फोन आज काम नहीं कर रहा है ना? नेट नहीं चल रहा। एक बार सब आप अपने मोबाइल निकाल के दिखा दो, जो टाइमिंग है ना सबके फोन से एक बार अपडेट करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप देखें जी, 6:36 का जो समय है वो। एक और आप देखें यहाँ पे 6:36, 6:36। और भी कोई फोन है? चलाओ चलाओ, बहुत बढ़िया, 6:36। सारे फोन आजकल गूगल से अपडेटेड हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 11 किलो 574 ग्राम जो दूध है वो। दूसरा कट्टा कहाँ है? अब चल जाएगा ये लेस आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा उजाला हो गया ना, हरे और लाल में यही फर्क होता है। अभी पांच किलो का बट्टा रख दो, कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल चेक करना है अभी तो वैसे ही। ये देखिए जी, 5 किलो 20 ग्राम, 5 किलो का जो बट्टा है वो। 1 किलो नमक की थैली रखेंगे, एक्यूरेट 6 किलो, 1 किलो और 1 किलो फिर से एक्यूरेट जो 7 किलो कल शाम की तरह है वो। अब खाली बाल्टी रखो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा उजाला हो गया, मैं इसीलिए कोशिश है वो कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। और खाली बाल्टी का जो वेट है ये देखिए, 1 किलो 500 ग्राम, बहुत बढ़िया, जीरो पे। ठीक है, डाल दो भाई, एक मिनट रुको। जीरो पे जो काटा है वो आप देखें और ये आप देखें। वही 20-25 ग्राम का फर्क आ रहा है पहलवान जी, और कुछ नहीं। वहां 11,574 था, यहाँ आप देखें 11 किलो जो 600 ग्राम जो वेट है वो दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे अब क्या ही हो सकता है ना। तो शाम को फिर मिलेंगे जी, कोशिश रहेगी जो लाइव मिल्किंग है उसको कंप्लीट कराने की, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है, पीएम विजिट है। और पशुधन अभी भी आप देखें बिल्कुल नॉर्मल मूड में, कल शाम को थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा जो डिस्टर्ब थी भैंस वो। तो शाम को फिर मिलते हैं, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।